भारत के खिलाफ पाकिस्तान का असली चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे 20 YouTube चैनलों को केंद्र सरकार ने ब्लॉक कर दिया है। ये YouTube चैनल्स पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे थे और इन पर एंटी इंडिया कंटेंट शेयर किया जा रहा था। दो वेबसाइट्स के खिलाफ भी भारत विरोधी प्रचार को लेकर कार्रवाई की गई है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि INB सचिव अपूर्व चंद्रा ने YouTube और टेलीकॉम डिपार्टमेंट को कंटेंट को हटाने या जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, क्योंकि ये देश की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन करता है। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में INB ऑफिसर्स ने क्लियर किया कि पाकिस्तान की तरफ से इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की मदद से एंटी इंडिया कंटेंट फैलाए जा रहे थे। सरकार के मुताबिक इन साइट्स की निगरानी कर रहे ग्रुप ने पाया कि इस तरह के प्रोपेगेंडा से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि इनके जरिए गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। ये पाकिस्तान से भारत के खिलाफ पूरी प्लानिंग से चलाया जा रहा कैंपेन है, लिहाजा इसके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। यूट्यूब पर पहचाने गए ग्रुप्स में से एक नया पाकिस्तान था, जिसके 2 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर थे। ये चैनल कश्मीर, भारत में किसानों के विरोध, आर्टिकल 370 और अयोध्या जैसे अलग अलग मुद्दों पर फर्जी खबरें चला रहा था। 500 मिलियन के टोटल व्यूअर काउंट के साथ बैन किए गए इन चैनल्स का कुल सब्सक्राइबर बेस 3.5 मिलियन से ज्यादा होने का अनुमान है। नया पाकिस्तान ग्रुप नाम के दूसरे पोर्टल को 15+ YouTube चैनल्स पर एंटी इंडिया कंटेंट शेयर करते हुए पाया गया, जिसके सब्सक्राइबर्स की संख्या 1 मिलियन से ज्यादा है। रिपोर्ट से पता चलता है कि चैनल ने कश्मीर में आर्टिकल 370, तालिबान सेना, तुर्क सेना और अयोध्या राम मंदिर जैसे मुद्दों के जरिए भारत में अशांति फैलाने की कोशिश की थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।